गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे राइटिंग बुक में काम। सभी बच्चे अपनी राइटिंग बुक में काम करेंगे। ये है आज आपका ड्राइंग का, ये देखिए, ये है आपका ड्राइंग का। ये क्या है? सर्कल। क्या है ये? आपका सर्कल है। तो आपको इसमें कलर करना है। आपको जो अच्छा कलर, जो आपका फेवरेट कलर है, वो कलर करना है आपने, ठीक है। ये देखिए, ये सर्कल है, इसमें आपको कलर करना है इस तरह से। सभी बच्चे इसमें सुंदर सुंदर कलर करेंगे। इस तरह से आपको अपनी ड्राइंग की बुक में सुंदर सुंदर कलर करना है बेटा, ठीक है। आप सभी बच्चे अपनी ड्राइंग की बुक में कलर करेंगे। अब है हमारा आज नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथ। मैथ की राइटिंग बुक में आपको क्या सीखना है? टू बनाना। आपको काउंटिंग सिखाई थी ना, 1 से 10 तक काउंटिंग सिखाई थी बेटा, कॉपी में काउंटिंग कराई थी। तो इसी तरह आपको राइटिंग बुक में भी काउंटिंग करनी है। ये देखिए, ये क्या है? टू। ये क्या है? टू मंकी। कितने मंकी हैं? टू। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे इन पे पेंसिल चलानी है ऐसे, टू टू टू। इसी तरह आपको इन बॉक्सों में पेंसिल चलानी है। ये देखिए, ये इस तरह आपको ये बुक फिल करनी है अपनी, टू टू। यहाँ पे ये बने हैं, ये डॉट बने हैं, इनके ऊपर पेंसिल चलानी है। अब इधर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके बॉक्स दिए हैं, यहाँ पे बॉक्स दिए ना बेटा। तो ये आपको अपने आप बनाने हैं, इसके इन बॉक्सों के अंदर ऐसे टू बनाना है। इस ये ऐसे बॉक्स के अंदर बनाना है आपको ऐसे, ये इन पे पेंसिल चलानी है। ये डॉट दिए हैं आपको, इन डॉट पे पेंसिल चलानी है और इस यहाँ पे अपने आप बनाना है आपने ऐसे टू। हम इस तरह से, ठीक है। अब ये देखिए, नेक्स्ट पिक्चर है थ्री। ये क्या है? थ्री। देखिए ये कितनी, ये पिक्चर में देखिए कितनी हिरन है, 1 2 3। कितनी है? थ्री हिरन है। तो ये क्या है यहाँ पे हमारा? थ्री। क्या दिया है हमें? थ्री। तो थ्री है ना, तो हमारी पिक्चर भी थ्री है, 1 2 3। तो अब हमें यहाँ पे थ्री बनाना है। यहाँ पे ये डॉट दिए हैं ना, इस तरह से ये डॉट पे आपको पेंसिल चलानी है, 1 2 3। इस तरह से आपको थ्री बनाना सीखना है। ये देखिए, इसी तरह आपको सभी डॉट पे काम करना है। ये इस तरह से आपको ये फील करनी है। अब यहाँ पे आपको डॉट नहीं दिए हैं, तो ये आपको अपने आप सीखना है बेटा। इस तरह से 1 ऐसे 3 बनाना सीखना है ऐसे। ये देखिए, सभी बच्चे अपनी मैथ की राइटिंग बुक फिल करेंगे, 2 3। जहाँ पे आपको डॉट दिए हैं, आपको डॉट पे पेंसिल चलानी है ऐसे, डॉट के ऊपर पेंसिल चलानी है। यहाँ पे आपको डॉट नहीं दिए हैं, तो आपको अपने आप काम करना है, ये ऐसे बनाना है, बॉक्स के अंदर बनाना है, ये ऐसे बॉक्स के अंदर बनाना है ये, ठीक।
ठीक है। आज आप मैथ की राइटिंग बुक में क्या बनाएंगे, 1, 2 और 3। अब है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में हमने स्वर पढ़े थे ना, अ से अंग तक स्वर पढ़े थे, तो आपकी राइटिंग बुक में ये देखिए, ये क्या है, ई से इमली, क्या है, ई से इमली। तो आपको ई से इमली बनाना सिखाया था ना कॉपी में बेटा, तो आपको इस पे भी ई से इमली बनाना है। पहले ये डॉट के ऊपर चलानी है पेंसिल, ये देखिए, ये आपको डॉट दिए हैं ना, इसके ऊपर इस तरह से बनाना है, ऐसे ऐसे। अब आपको यहाँ पे तो ये डॉट दिए हैं आपने, ये डॉट पे बनाई है, ये डॉट के ऊपर बनाए हैं आपने ऐसे। अब यहाँ पे आपको डॉट नहीं दिए हैं ना, आपको ये लाइनें दी हैं ना, तो आपको ये 3 लाइनों में बनाना है ऐसे ऐसे। ये 3 लाइनें दी हैं आपको, आपको इन लाइनों के अंदर बनाना है ऐसे करके। आपको ये सभी लाइनें फिल करनी है, भरनी है, जहाँ पे डॉट दिया है तो डॉट के ऊपर बनाना है, यहाँ पे आपको डॉट नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे बनाना है और लाइनों में बनाना है बेटा। ये है ई से ईक, क्या है, ई से ईक, ये ईक की पिक्चर है ना, तो यहाँ पे आपको डॉट दिए हैं तो आपको पहले डॉट के ऊपर बनाना है, ये देखिए, ये डॉट दिए हैं ना आपको, तो आपको ये डॉट के ऊपर बनाना है, ये है बड़ी से ईक, बड़ी से ईक, ये बड़ी से ईक। अब आपको यहाँ पे डॉट नहीं दिए हैं तो ये आपको अपने आप बनाना है, ये 3 लाइनों में बनाना है, ई से ईक, ई से ईक, ई से ईक, इस तरह से आपको ये सभी बॉक्स कंप्लीट करने हैं। ये देखिए ई से ईक, और लाइनों पे ही काम करना है बेटा सब, ये। तो आपको हिंदी में क्या बनाना है आज, ई से इमली, ई से ईक, हिंदी में ई से इमली, ई से ईक। सारे बच्चे अपनी राइटिंग बुक में इसे फिल करेंगे। अब है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में आज हम सीखेंगे ए फोर एप्पल। राइटिंग बुक में क्या सीखेंगे हम, ए फोर एप्पल, ये देखिए एप्पल बनता है 3 लाइनों में, ये क्या है, ए फोर एप्पल, ये किसकी पिक्चर है, एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, क्या होता है, एप्पल मीन्स सेब। तो आपको ये ऐसे बनाना है, ये आपको डॉट दिए हैं बेटा, आपको इन डॉट पे पेंसिल चलानी है, ये 3 लाइनों में बनाना है इस तरह से। आपको यहाँ पे लाइन दी है ना, ये देखिए, आपको ये लाइनों पे बनाना है, पहले ये डॉट दिए हैं आपको, ये डॉट कंप्लीट करने हैं आपको, ये देखिए, ये डॉट दिए हैं ना, ये आपको डॉट पे कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको 1, 2, 3, 4 4 लाइनें दी है ना, लेकिन आपको ये 3 लाइनों में बनाना है, ऐसे बनाना है ऐसे। ये आपको 3 लाइनों में बनाना है ऐसे, ये पहले डॉट पे पेंसिल चलानी है आपको, फिर ये अपने आप बनाना है, ये आपको सीखना है बेटा ऐसे, ये लाइनों में बनाना इस तरह से सीखना है आपको, ठीक है।
तो इसी तरह बेटा आज आपको हिंदी इंग्लिश मैथ तीनों राइटिंग बुक में काम करना है, इसे फिल करना है सभी बच्चों को, और ये काम करके व्हाट्सएप पे सेंड करना है। और ये आपका ड्राइंग का है, आपको ये ड्राइंग का काम भी करना है, इसे भी व्हाट्सएप पे सेंड करना है। सब बच्चे अपनी बुक फिल करेंगे, सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी राइटिंग में बनाएंगे, ठीक है? ओके बाय बेटा।